जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है। धरती पर इसकी वजह से हलचल मची हुई है। कभी बेमौसम भारी बारिश, सूखा और तबाही मचाने वाली बाढ़ ने लोगों को परेशान किया है। वैज्ञानिकों ने कई चेतावनी दी है कि इसका हल निकालना होगा, नहीं तो धरती पर तबाही मचेगी। दुनिया भर के नेता समय समय पर जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से दुनिया के खूबसूरत द्वीपों, समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा बन रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक ब्रनो गुटेनबर्ग ने सालों पहले एक शोध के जरिए दुनिया को चेतावनी दी थी कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद 1990 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। खूबसूरत द्वीपों के लिए मशहूर भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच बसा है। दुनिया भर के लोगों का यह पसंदीदा पर्यटक स्थल है। दक्षिण एशियाई देश मालदीव के बीच मिला को पर्यटक खूब पसंद करते हैं। भारतीयों का भी ये पसंदीदा पर्यटक स्थल है। अब सवाल ये है कि क्या समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से मालदीव डूब जाएगा? मालदीव को हिंद महासागर का शान कहा जाता है। अब इस आइलैंड नेशन पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडराने लगा है। विश्व बैंक समेत कई संस्थाओं को डर सता रहा है कि समुद्र का पानी इस तरह बढ़ता रहा तो साल 2100 तक द्वीपों से बना मालदीव पूरी तरह पानी में डूब सकता है। भारत के इस पड़ोसी देश की जनसंख्या करीब 5 लाख है। अब सवाल ये भी है कि अगर समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से मालदीव डूब जाता है तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे और कौन इन लोगों को बसाएगा?